हेलो दोस्तों, मैं वासिम राजा, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। साथ देख पा रहे हैं पड़ा है दोस्तों, यहाँ पर प्रॉब्लम हो चुका है इसके अंदर। तो गाड़ी जो है सेल्फ स्टार्टिंग प्रॉब्लम कर रहा है, गाड़ी जो है किक से स्टार्ट हो रहा है, सेल्फ से स्टार्ट नहीं हो पाता है। यहाँ पर चाबी ऑन कर बता दें, चाबी ऑन कर दिए, यहाँ पर बता दें हॉर्न बजा के वर्क कर रहा है। यहाँ पर सेल्फ दबाएंगे तो किसी तरह से ये काम नहीं कर रहा है। यहाँ पर दिखा दें, ये क्लच भी दबा के मारते हैं तो ये हमारा सेल्फ नहीं काम कर रहा है। गाड़ी किक से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर बता दें किक से स्टार्ट करके गाड़ी को यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। इस तरह से गाड़ी के पास भी स्टार्ट हो रहा है, पर इसमें प्रॉब्लम बता रहा है कि हमारा चेक इंजन लाइट जो है ऑन नहीं रहता है। गाड़ी स्टार्ट होने के बाद जो है ऑफ हो जाना चाहिए, तो इस तरह का प्रॉब्लम इसके अंदर है। यहाँ पर गाड़ी ऑफ कर लेते हैं, वापस ऑन करते हैं, वापस सेल्फ मार के बता दें यहाँ पर। तो ज़रा सा भी कोई तरह का इसमें कोई तरह का भी सिंबल नहीं दे रहा है, मतलब हमारा सेल्फ वर्क नहीं कर रहा है। तो क्या दिक्कत है इसके अंदर, तो इस वीडियो में बने रहिए एंड तक। वीडियो में नए हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हमारा बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि हमारा वीडियो आप तक पहुंचते रहे। तो इस तरह से बीएससी से रिलेटेड वीडियो दोस्तों हम देते रहते हैं। यहाँ पर जो है प्रॉब्लम को हम दिखाएंगे, गाड़ी सेल्फ नहीं ले रहा है तो हम चेक करेंगे। सबसे पहला जो है यहाँ स्विच से भी कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है, तो यहाँ पर देख पा रहे स्विच दबा रहे हैं इस तरह से सेल्फ वाला। यहाँ पर जो है कोई तरह का ब्लिंकिंग नहीं करता है, कोई सिंबल नहीं आता है, चाबी को ऑफ कर देते हैं। यहाँ स्टेप बाई स्टेप आपको बने रहना है वीडियो में, क्योंकि जो है प्रॉब्लम इस तरह से कभी कभी बीएससी से आ जाता है, तो हमारा भाई लोग बहुत परेशान होते हैं। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सारा प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाता है। यहाँ पर जो है फाइनल को खोल देते हैं, तो यहाँ पर जो है ये हमारा सेल्फ रिले है। तो दोस्तों ओपीडी को डायरेक्ट नहीं लगाना है, पहले प्रॉब्लम को देख लेना है, और प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होता है तो ओपीडी कनेक्टर लगा के आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है नॉर्मली वो सारा कुछ बताएंगे, तो कोई तरह का सैंपल नहीं दे रहा है, इसको हम यहाँ से निकाल लेंगे। ये हमारा सेल्फ रिले है और सारा कुछ लाइव बताएंगे। तो ये रिले है दोस्तों, इसको जो है कभी कभी यहाँ से जो काम नहीं करता है तो हमारा कोई तरह का इशू हो जाता है। तो यहाँ सेल्फ रिले को इस तरह से झटका मार लेंगे दो चार बार, इसको वापस लगाएंगे और सारा कुछ लाइव बताएंगे। तो इस तरह से जो इसको लगा लेते हैं यहाँ पर प्रॉपर तरह से, और इसको भी यहाँ पर लगा देते हैं। तो छोटा छोटा वीडियो हम देते रहते हैं दोस्तों, क्योंकि आज के दौर में जो है बीएससी गाड़ी आ गया है और हमारा भाई लोग जो है नॉर्मल गाड़ी में काम किए हैं तो नहीं हो पाता है, तो परेशान रहते हैं। इसलिए वीडियो देते हैं तो हमारा भाई लोग को भी आसानी होता है। यहाँ पर देख पा रहे इसको लगा चुके हैं, और यहाँ पर हम एक बार चेक करेंगे चाबी को ऑन किए, चेक इंजन लाइट आ गया, न्यूट्रल लाइट भी आ रहा है, गाड़ी को सेल्फ मारेंगे। तो सेल्फ स्टार्ट हो चुका है, पर दोस्तों ये चेक इंजन लाइट हमारा जा भी रहा है, सेल्फ को हमारा वर्क करना चालू कर दिया। यहाँ पर जो हमारा चेक इंजन लाइट जो है ये हमारा जा नहीं पा रहा है, वापस स्टार्ट में बता दें ऑफ किए ऑन किए। तो गाड़ी स्टार्ट करने के बाद जो है दोस्तों ये चेक इंजन लाइट जो है ऑफ हो जाना चाहिए, ऑफ नहीं होगा तो ये जो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। तो यहाँ पर जो है चेक इंजन लाइट जल रहा है, वापस सेल्फ मार के बता दें। तो यहाँ सेल्फ हमारा परफेक्ट तरह से काम करने लगा और हमारा चेक इंजन लाइट नहीं जा पा रहा, इसको क्या करेंगे, चेक इंजन लाइट जाने के लिए यहाँ पर गाड़ी को ऑफ करेंगे, इसको पांच बार जो है दोस्तों ऑन ऑफ करेंगे और सेल्फ वर्क करेंगे, उसके बाद देखेंगे हमारा चेक इंजन लाइट जाता है कि नहीं जाता। तो यहाँ पर हम एक बार प्रोसेस करके बताते हैं आपको, इस तरह से ऑन करेंगे सेल्फ मारेंगे, ऑफ करेंगे तो दूसरा बार हो गया, तो तीसरा बार हो गया, यहाँ पर सारा कुछ लाइव दिखाएंगे, चौथा हो गया, ये पाँचवा हो गया, और डायरेक्ट गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। चेक इंजन लाइट हमारा जा चुका है, तो ये सब इसलिए बता रहे दोस्तों कि हमारा सारा मैकेनिक भाई लोग उन लोगों के पास ओपीडी कनेक्टर अवेलेबल नहीं रहता है तो प्रॉब्लम में आ जाती है। प्रॉब्लम तो यहाँ से हमारा सॉल्व हो चुका था, पर हमारा चेक इंजन लाइट नहीं जा रहा, अभी जो परफेक्ट तरह से हो चुका है, कोई तरह का इशू नहीं, चेक इंजन लाइट जा चुका है। यहाँ पर गाड़ी को ऑफ कर दे, ढक्कन को लगा देते हैं और गाड़ी के ऊपर आओ स्टार्ट करके बताएं। तो छोटा छोटा प्रॉब्लम आता है दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि ओपीडी को लगाना है, छोटा छोटा प्रॉब्लम जो है हमारा एक्सपीरियंस मैकेनिक लोग जो है खुद से सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ छोटा सा प्रॉब्लम था, आप देख पा रहे होंगे प्रॉब्लम आसानी के साथ सॉल्व हो चुका है। इस पैनल को भी हम लगा देते हैं यहाँ पर, ये हमारा लग चुका है, एक बार और हम फाइनली आपको बताएं। यहाँ जो है पूरा तरह से हमारा जो चेक इंजन लाइट जा चुका है, तो पूरा तरह से हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। यहाँ पर एक बार और बता दें, चाबी ऑन करेंगे, चेक इंजन लाइट ऑन है, तो यहाँ पर सेल्फ को स्टार्ट मारें, जैसे स्टार्ट मारे गाड़ी हमारा जो है चेक इंजन लाइट चला गया, तो हमारा प्रॉब्लम जो है कोई तरह का इशू नहीं रहा गाड़ी के अंदर, हमारा सॉल्व हो चुका है। तो इस तरह से जो है प्रॉब्लम कभी कभी आ जाता है, गाड़ी को ऑफ कर लेते हैं दोस्तों, इस तरह से टेक्निकल वीडियो डालते रहते हैं।
चैनल है। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, हमारा बेल आइकन ऑन करो ताकि हमारा वीडियो आप तक पहुँचे। तो आज तक की वीडियो यहीं करते हैं।